खरगोन जिले के भिकनगांव सीईओ राजेश बाहेती द्वारा आत्महत्या करने का मामला अब तूल पकड़ते दिख रहा है। इसी के चलते भिकनगांव कांग्रेस विधायक झुमा सोलंकी ने घटना के लिए भाजपा के पदाधिकारियों पर आरोप लगाकर बताया कि उक्त जनपद में सीईओ को दबाव में लेकर काम कराया जा रहा था, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या की। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करके बताया कि सुसाइड नोट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर दो लोगों को पकड़ा है, जिनसे सघन पूछताछ के बाद आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारण का पता चल सकेगा। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। भिकनगांव में पीयूष ने आत्महत्या की थी, अभी कोई लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या मामला सर? जो आप लोगों की जानकारी में है, इसी जनपद पंचायत भिकनगांव द्वारा 27 तारीख की रात से सुसाइड किया गया था, तो उसमें जो जाँच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीकृत किया गया है, उसमें दो लोगों का नाम सामने आया है आरोपियों का, और दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या नाम है? एक रन्ना लाल खतवासे हैं और जुली चंदवासे। ये क्या जनपद पंचायत के अध्यक्ष? ये जो हैं ये अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं खतवासे जी, और जो जुली चंदवासे हैं वो आपके ऊपर। सर कांग्रेस अध्यक्ष ने अभी ज्ञापन भी दिया है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके विषय में मेरा यही कहना है कि पुलिस जो है वो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, जो भी तथ्य विवेचना के दौरान सामने आए हैं, जांच के दौरान सामने आए हैं, उस पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट क्या निकला गया था? सुसाइड नोट देखिए वो विषय वस्तु जाँच की है, उसमें उसको सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो सुसाइड नोट और जो विभिन्न लोगों के बयान लिए गए हैं जो उससे संबंधित हैं, उनके परिजन हैं, उनके आधार पर बयानों में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर। ये आरोपी किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे सर अधिकारी को? देखिए वो विभिन्न जो कामकाज होते थे उनको लेकर जो थे उनकी वर्किंग को लेकर उसमें कुछ मतभेद थे, जिसको लेकर आपस में उनकी डिफरेंसेस थे उसको लेकर उनके बीच में। अगली कार्रवाई क्या रहेगी सर? अगली कार्रवाई अभी हम लोगों की जांच जारी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो आगे कार्रवाई होगी। सर इसमें दो ही नाम है कि तीसरे का नाम? अभी तो इसमें दो ही नाम है, अभी इसमें अन्य अभी किसी का ऐसा नाम अभी सामने नहीं। रिमांड भी सर कोर्ट में पेश किया जा रहा है, इनको रिमांड भी गिरफ्तारी की है, अभी इसमें डिसाइड करेंगे कि इसको किसी तरह की उसमें आवश्यकता होगी तो रिमांड। थैंक यू की बात है कि ड्यूटी पर रहते हुए जनपद पंचायत भिकनगांव के सीईओ जिन्होंने सुसाइड किया, दबाव में आकर किया, और मीटिंगें जो जनपद की होती हैं, कार्यों का विभाजन होता है, योजनाएं बनाई जाती है, उसमें पूरी तरह से नियम विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के बाद उन्होंने बाकायदा उनके कर्मचारी अधिकारियों के सामने जिक्र किया कि ये हमारे पे दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाना मतलब नियम के विरुद्ध काम कराना, और नियम के विरुद्ध काम वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो सज्जन और नियम के अनुसार चलने वाले ईमानदार अधिकारी थे, और इसी कारण से दबाव में आके उन्होंने सुसाइड किया। ये उनकी इस तरह की हरकत जो भारतीय जनता पार्टी के हर तरह से करते हैं, जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए, और इसी के विरोध में हमने ज्ञापन दिया, मांग करी है कि तुरंत उनको गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें और पद से पृथक भी किया जाए ताकि ये कार्रवाई प्रभावित नहीं हो, और सुसाइड नोट में उन्होंने जिसका नाम जिक्र किया वो भी खुलासा हो। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद में गिरफ्तारी की गई है, तो इसको लेकर क्या कहना? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी हमारे सम्मानीय आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो तुरंत संज्ञान में कोई सी भी घटना को लेते हैं, उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। मैडम मीडिया दो दिनों से चर्चा करना चाह रही थी जिला कांग्रेस कमेटी से, मगर कोई भी व्यक्ति सामने आके कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, और दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद में आज आके ज्ञापन दिया गया। नहीं, आप लोगों ने जहाँ तक मुझे ख्याल है संपर्क किया था, मेरा ग्रामीण क्षेत्र में दौरा था और मेरे एरिया में कई जगह नेटवर्क नहीं था, इसलिए आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाई, उधर नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं भी फोन नहीं लगा पाई थी, आज सबके सामने आके बोला। आज इतना बड़ा मामला है, जिले में 6 कांग्रेस के विधायक है और यहाँ ज्ञापन देने के लिए एक भी विधायक यहाँ पे आपके साथ मौजूद नहीं है। नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी पूरी है, हमारे शहर अध्यक्ष हैं, ग्रामीण अध्यक्ष हैं, भिकनगांव झिरनिया की पूरी टीम, विधायक नहीं नजर आ, और लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सब ने मिल के और हमारे सारे विधायकों से मेरी सुबह चर्चा हुई है, माननीय कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, उनके निर्देशों पर ये किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।